फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले वीडियो में आपको बताया था ये ट्रैक्टर के बारे में, जो उसका पिस्टन रिंग क्लियरेंस है, जो स्टैंडर्ड साइज कितना होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में वाला हूँ क्रैंक शाफ्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, और क्रैंक शाफ्ट का जो मेन बैरिंग का बोल्ट होता है कितना टॉर्क होता है, और बैरिंग कैसे लगाते हैं, सारी चीज़ वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों, ये है फिर ट्रैक्टर का ब्लॉक है, और ये क्रैंक शाफ्ट है। ये जो है क्रैंक शाफ्ट है, और ये इसमें थ्रस्ट वाशर 4 पीस होता है, 3-4 पीस है। ये आप देख सकते हैं, थ्रस्ट वाशर जो है 4 पीस होता है, ठीक है। और ये मेन बैरिंग है, दोस्तों। क्रैंक शाफ्ट इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ को ये ध्यान रखना पड़ता है, ये जो मेन बैरिंग की जगह है ये वाला, इसके अंदर पेट्रोल से आप और बिल्कुल अच्छा से साफ़ करना चाहिए। इसमें बिल्कुल कचरा कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा से क्लीन करना चाहिए। और फिटिंग करने से पहले, क्रैंक शाफ्ट ब्लॉक के अंदर फिट करने से पहले, इसको कपड़ा से अच्छा से, ये जितना भी बैरिंग की जगह पर है इसको अच्छा से साफ़ करना है। अभी हम फिटिंग करते हैं, और ये जगह पे भी, ये जो जगह है मेन बैरिंग का जो जगह है ब्लॉक में, इसको भी बिल्कुल अच्छा से क्लीन करके लेना है। ये जगह पे इधर ये मेन बैरिंग कैप बैठता है, और ये जगह पे बैठता है, ये बिल्कुल अच्छा से क्लीन करना है। और इसमें जो 6 नंबर जो मेन बैरिंग कैप है, उसमें इसका थ्रस्ट वाशर आता है, इसमें आता है थ्रस्ट वाशर, ठीक है। मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे मेन बैरिंग लगाते हैं, ठीक है। और ये जो कट है ना, मेन बैरिंग का कट जो होता है, और इसका जो कट है इसमें बैठाना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बैरिंग लगाते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेन बैरिंग, और ये जो आपको ऐसा वाला जो कट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ब्लॉक में आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होता है। और ये जो कैप में आता है, ऐसे प्लेन आता है, दिख रहा है आप, ये प्लेन होता है। और ये जो ब्लॉक साइड में आता है, कैप में ऐसा प्लेन आता है, और ये जो कट वाला जो दिख रहा है आपको, ये ऐसा, ये ब्लॉक में आता है बैरिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो बैरिंग है ओवर साइज है, ठीक है, 0.25 mm है, और इंच में हो गया 0.10, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो 10 है, ठीक है, 0.010 है, ठीक है, ओवर साइज है, ये 0.010, ठीक है। इसको अभी कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको कट दिख रहा है, ये कट में और ऐसे लगा के इसको ऐसे बैठाना है, ठीक है। देख सकते हैं बिल्कुल बैठ गया है, ये कट में बैठना चाहिए, ठीक है। लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी जो ये बैरिंग है, ये सारे इसी तरह, ये जो कट है ये कट में लगा के बैठाना है, ठीक है। दोस्तों, मैं पहला पार्ट वन वीडियो में मैं आपको बताया था इसका पिस्टन रिंग क्लियरेंस जो है कितना स्टैंडर्ड साइज होता है लैंडर में। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में दे दूंगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो बैरिंग है पूरा लगा लिया है, ऑयल लगा के, ऑयल इस तरह से लगाना है, ठीक है। सारे बैरिंग में इस तरह से ऑयल लगाना है, ठीक है। ऑयल लगा लिया है, अभी हम क्रैंक शाफ्ट को ये ब्लॉक के अंदर डालेंगे, बिल्कुल सीधा डालना है। और एक इसका एक पोजीशन होता है क्रैंक शाफ्ट डालने का, मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये 6 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। 6 सिलेंडर जो 3 नंबर
और 4 नंबर जो कनेक्टिंग रॉड का जो बैरिंग का जो जगह होता है क्रैंक शाफ्ट में, वो दोनों हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे तो आप सीधा बिल्कुल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको टेढ़ा रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है कोई कोई इंजन में, बट आप किसी भी इंजन, कोई भी इंजन आप फिट कर रहे हैं, ये जो सेंटर वाला जो होता है ना, मैं आपको दिखाऊँ, ये सेंटर वाला जो होता है ना, ये हिस्सा, ये बिल्कुल अप रखना है, ठीक है, ऊपर के साइड में रखना है, टॉप में रखना है इसको, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाते हैं। देख सकते हैं ये जो क्रेन शाफ्ट है, ये ब्लॉक में डाल दिया है, ठीक है। ये मेन बैरिंग के जो जगह पे है, ये सारे मेन बैरिंग जो कैप आता है उस जगह पे वो लगाना है, ठीक है। ये सारे कैप में ऑयल लगा लेना, ठीक है। उसके बाद ये 1 नंबर है, इसमें भी ऑयल लगाओ यहाँ पे, उसके बाद लगाओ। ये 1 नंबर इधर से है, ये आगे की तरफ आएगा इसे इसे। हाँ, जो कट होता है ना, ये कट, ये बैरिंग का जो कैप होता है ना ब्लॉक का, उस साइड में आना चाहिए, ये दूसरा साइड में आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ता है, इधर लगाओ। इसी तरह सारे मेन बैरिंग कैप में ऑयल लगा के लगाना है, ठीक है। उसके बाद में इसको कितना बोल्ट टर्क होता है मैं लगाऊँगा टाइट करके, और मैं आपको ये 5 नंबर मेन बैरिंग कैप है, इसमें भी ऑयल लगा के बात लगाना है। ये 7 नंबर लगाओ, 7 नंबर, हाँ वो वाला, हाँ ये लास्ट वाला मिला, हाँ कट दिखाओ। ये जो कट है और ये कट है, उसी साइड में दोनों कट आना चाहिए, ठीक है। ये जो मेन बैरिंग कैप है, इसमें थ्रस्ट वाशर आता है, ठीक है। दो ब्लॉक में आता है, इधर ब्लॉक के साइड में, और दो कैप में आता है, ठीक है। ये ब्लॉक वाला जो है ना, ये ब्लॉक में आएगा, इसमें ऑयल लगाओ। ये जो चीज़ है ना, ये ब्लॉक साइड में आता है, और ये जो कट वाला जो दिख रहा है, ये क्रैंक के साइड में आता है, इस तरह से थोड़ा एक साइड में इसको क्रैंक को, ये देख रहे हैं ना, प्लेन वाला ब्लॉक के साइड में आता है, ठीक है। हाँ, ये कट वाला जो है ना, क्रैंक के साइड में आना चाहिए, इस साइड में आना चाहिए क्रैंक के साइड में, ठीक है। और ऐसे में ऐसे ही दूसरा भी लगाना है, थ्रस्ट वाशर 4 पीस है क्रैंक साइड में, एक साइड में करो। अभी कैप में थोड़ा इधर साइड में ऑयल लगा लो, बाद में इसको भी ऐसे लगाना है, साथ में लगाना है। इधर लगा के मुश्किल है, थोड़ा तेल लगा लो, मुश्किल नहीं, थोड़ा तेल लगा लो, गिरेगा नहीं। हाँ बस लगाओ, ये जो है ऐसे आता है, ठीक है। दूसरा ऐसे आता है, ठीक है, इसको अभी लगाओ। हाँ, ये कट मेन बैरिंग का जो कट है ना, ये कैप का और उसका दोनों का एक साइड ही में होता है, सीधा सीधा।
और ये जो कभी भी आप मेन बरिंग कैप टाइट करेंगे, मेन बरिंग कैप का बोल्ट वो सेंटर से टाइट करते हैं, ठीक है, सेंटर से। उसके बाद उससे बाजू वाला, अब दो नंबर, तीन नंबर, उसके बाद फिर चार नंबर, फिर दो नंबर, फिर उसके बाद सात नंबर, फिर एक नंबर, ठीक है, ऐसे टाइट करते हैं। ये नहीं कि आप एक साइड से पकड़े और टाइट कर रहे हैं, वैसे टाइट नहीं करना चाहिए कभी भी, सेंटर से टाइट करते हैं। पहले सेंटर वाला करें, फिर उसे साइड वाला करें, फिर उसके सेंटर जो है उसके दूसरा साइड वाला करें, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जो बस हाथ से टाइट किया, उसके बाद ऐसे चेक करना है, घुमरा नहीं घूम रहा, अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है। उसके बाद टॉर्क रेंच से टाइट करना है। इसका जो मेन बैरिंग का टॉर्क जो है एटी एन एम, ठीक है, ये अभी 80 NM पे सेट कर रहे हैं, DNF पे सेट कर लिया। उसके बाद इसको टाइट कर लिया, इधर नज़र है। हाँ, अभी हम यहाँ पे एक मार्क करते हैं, ठीक है, और ये जो एक कोन जो है आपको पता होगा ये 60 डिग्री का है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, ये छः पोल वाला है, एक कोन जो है 60 डिग्री का है। आपको कितना करना है, 90 डिग्री करना है, छः इधर हो गया 60 डिग्री, और इसके आधा करेंगे तो हो गया 90 डिग्री, ठीक है, इसको हमको आधा में मार्क कर लेना है। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, कहीं पे भी आपको एक मार्क कर लेना है, उसके बाद यहाँ से गिनती करना है, ये 60 डिग्री हो गया और इसके आधा जो है 90 डिग्री हो गया। टाइट करते हैं, मैं आपको इस साइड से आ जाओ, इस साइड से
देख सकते हैं यहाँ पे जो 90 डिग्री टाइट का जो हम मार्क किया था, ये मार्क के सामने आ गए सारे बोर्ड ऐसे ही टाइट करते हैं, उनको मार्क कर लेते हैं फिर उसके बाद। अभी आप देख सकते हैं ये हमने मार्क कर दिया है 90 डिग्री का, ठीक है ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, सारे बोर्ड को मार्क कर लिया, ठीक है। अभी हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, बोल्ट को टाइट करेंगे, ठीक है। मार्क किया था सारा टाइट हो गया, ठीक है। इधर देखो पूरा दिखाओ, पूरा सारा टाइट हो गया है। अभी इसको साइड थोड़ा बोल करो, अभी इसको घुमा के देखते हैं कैसा है। बिल्कुल फ्री है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अभी ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका पिस्टन रिंग इंस्टॉल करते हैं उसका वीडियो, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे पिस्टन रिंग क्लियरेंस चेक कैसे चेक करते हैं और स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, आप पहले वीडियो पार्ट 1 जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। इसका मैं लिंक दे दूँगा इसका डिस्क्रिप्शन में, ओके।